हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता मिश्रा। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। दुबई में होगा फिल्म अक्टूबर का वर्ल्ड प्रीमियर। वरुण धवन अपनी आने वाली फिल्म अक्टूबर को लेकर काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं। मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर 11 अप्रैल 2018 को दुबई में रखा जाएगा। इस दौरान फिल्म की पूरी स्टार कास्ट और डायरेक्टर मौजूद होंगे। रणवीर सिंह को मिलेगा दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड। रणवीर सिंह के फैंस के लिए खुशखबरी है। फिल्म पद्मावत के लिए खिलजी को दादा साहेब एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। फिल्म में रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था, जिसको क्रिटिक्स और दर्शकों ने खूब पसंद किया। ऐश्वर्या राय को मिला वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड। हाल ही में पुणे में बंड कम्युनिटी ने ऐश्वर्या को वुमेन ऑफ सब्सटेंस के खिताब से सम्मानित किया। कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए ऐश्वर्या ने बंड समुदाय का धन्यवाद किया। कर्नाटक से ताल्लुक रखता है बंड समुदाय। प्रिंसिपल करण जौहर के स्टूडेंट्स तैयार, 11 अप्रैल को होगा एक्ट्रेस का एडमिशन। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 को करण जौहर डायरेक्ट नहीं करेंगे। करण जौहर ने पहले भाग का निर्देशन तो खुद किया था, लेकिन वो दूसरे पार्ट को वो खुद डायरेक्ट नहीं करेंगे। पुनीत मल्होत्रा ने सोमवार से फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, लेकिन फिल्म के फाइनल कास्ट की घोषणा बुधवार को यानी 11 अप्रैल को की जाएगी। अब बंदूक दिखाकर कमाओ दूल्हे उठाएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा। फिल्म एक विलन के बाद एक बार फिर से श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ की जोड़ी एक साथ नजर आने वाली है। फिल्म को एकता कपूर ही प्रोड्यूस करेंगी और फिल्म का नाम शॉटगन शादी होगा। फिल्म शॉटगन शादी एक रियल घटना पर आधारित फिल्म होगी। जावेद अख्तर को मिला शांति दूत अवार्ड। लेखक गीतकार जावेद अख्तर ने वाराणसी के संकट मोचन मंदिर द्वारा दिए गए शांति दूत पुरस्कार प्राप्त कर उन्हें ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस पुरस्कार पर गर्व महसूस हो रहा है। फिनाले में सामने आई जवां दिलों की नई धड़कन। 8 हफ्तों की कड़ी मेहनत, कई सारी परफॉर्मेंस के बाद स्टार प्लस और बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर करण जौहर और रोहित शेट्टी ने इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स के विजेताओं अमन गंडोत्रा और नताशा भारद्वाज को ताज पहनाया। अब छोटे पर्दे पर दिखाई जाएगी वेश्याओं की जिंदगी। एकता कपूर जल्द ही कामसूत्र पर आधारित अपना अगला शो लॉन्च करेंगी। इसकी स्क्रिप्टिंग का काम शुरू हो चुका है। इसकी कहानी राजस्थान की गोली जाति की महिलाओं से प्रेरित है। एकता कपूर का ये शो उनके वेब प्लेटफॉर्म एल्ट बालाजी पर प्रसारित होगा। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को मिला पहला श्रीदेवी अवार्ड। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को जी अप्सरा अवार्ड्स में श्रीदेवी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तमन्ना ने कहा, श्रीदेवी उनमें से हैं जिनसे मैंने इस इंडस्ट्री में अपने शुरुआती सालों में प्रेरणा ली। उनके नाम पर रखा पुरस्कार प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। आयुष्मान खुराना और भूमि फिर साथ साथ हैं। अभिनेता आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर एक बार फिर साथ नजर आने को तैयार हैं, लेकिन इस बार बड़े पर्दे की जगह दोनों एक विज्ञापन में नजर आएंगे। विक्की डोनर के अभिनेता ने लिखा, हम एक बार फिर साथ इस बार विज्ञापन के लिए। मिस्ट्री पर से उठाया पर्दा, आ गई पहली नागिन। एकता कपूर ने नागिन 3 की मिस्ट्री पर से पर्दा उठा दिया है। एकता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शो का पहला पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें बिग बॉस फेम करिश्मा तन्ना धांसू अंदाज में नजर आ रही हैं। फिल्म राजी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में आलिया भट्ट पाकिस्तान में रहकर अपने देश के लिए जासूसी करते हुए नजर आ रही हैं। आलिया सहमत नाम की एक कश्मीरी लड़की के किरदार में नजर आएंगी, जो देखने में सीधी लगती है, लेकिन बड़ी ही शातिर तरह से देश के लिए जासूसी का काम करती है। पहली बार एक ही फिल्म में दिखेंगे इतने चर्चित चेहरे। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शन ने अपनी आने वाली फिल्म अभी तो पार्टी शुरू हुई है की घोषणा की है, जिसका लेखन और निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है। ये फिल्म गठबंधन की राजनीति के सर्कस में एक व्यंग्यात्मक सफर है। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय। देखते रहिए मायापुरी कट।